लड़का इंटरव्यू के लिए गया, एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट हो गया, लड़की इंटरव्यू के लिए गई, सिलेक्ट हो गई फॉर द सेम रीजन। क्या दोनों की शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था? बात पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं? ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया, तू भी देख ले। मोहब्बत की सूरत से मोहब्बत में जो सवालत होते हैं ना, पहला मुझे एक सवाल, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हारी अम्मी क्या करती है, लड़की के लिए ब्यूटी पार्लर है, दुल्हन तैयार करती है। लड़का कह रहा अच्छा मेरा अब्बा भी दूल्हा तैयार करता है, लड़की के लिए उनका भी ब्यूटी पार्लर है। लड़का कह रहा है वो वकील। अच्छा ये बताइए आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। क्या साइंस के पेपर ना? हाँ। अच्छा हमारे यहाँ के लड़कों का एग्जाम्स में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में। सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। इश्क के रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि रात को नंबर किसी जाने से ही टूट जाते हैं। कौमी तराने की तरह मुझे ऐसा लगता है। और बेहतरीन शौर वो है जो शरीके हैत का काजल बहने ना दे और लिपस्टिक रहने ना दे। रिश्तेदारों के सताए हुए होते हैं तो भी शायरी करते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। वाह 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 वाह, ये हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है रिश्तेदार। अच्छा बेकार है भैया, हमें तो टूट गया। फिर इससे शादी कर लो ना, शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए, घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बता।